हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. सो क्वेश्चन इज इवेल्युएट 0 to 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी जेड. जेड क्या आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट इज एक्स प्लस आई वाई. जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इसका मतलब लिमिट किसकी होंगी, उसी की लिमिट होंगी. तो इसका मतलब लिमिट क्या दी है, जेड जीरो से लेकर जेड वन प्लस आई. तो आपको इसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है, राइट. अब कंडीशन दी उन्होंने कब कैसे कैसे, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड जीरो टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई. मतलब एक स्ट्रेट लाइन इसके पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो बन रही है उसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है. सेकंड क्वेश्चन इज अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड जीरो टू जेड वन एंड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू वन टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना होगा. क्या लिख लेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट, we have to integrate suppose कि जो मैंने इसको i बोला, we have to integrate 0 to 1 plus i x minus y plus i x square dz, right. तो इसका डायग्राम बना लेंगे पहले. तो लिमिट्स क्या अपने पास में, लिमिट क्या दिए हुए हैं, लिमिट्स आर जेड जीरो टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई. तो पहले तो इसको आप एक्स प्लस आई वाई लिख के इसको कंपेयर करा लीजिए कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है. तो आपको पता लगेगा ये पॉइंट क्या है, बेसिकली जीरो जीरो टू. इसको एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आपको क्या मिल जाएगा, एक्स. इमेजिनरी वाई पार्ट क्या मिल जाएगा, वन. इसका मतलब आपको जो इंटीग्रेट इवेल्युएट करना है वो आपको इन दोनों के बीच में करना है. तो जेड जीरो की वैल्यू बेसिकली क्या है, जीरो जीरो. टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, वन वन. ओके, तो आपको इनके अलोंग इंटीग्रेट करना है. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बस थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी रहती है कि जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अलोंग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन्फाइनेट ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ से हम लोग उसको पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं. इसीलिए इन्होंने कंडीशन दी है, अगर सिर्फ इतना देते तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे जब तक वो कंडीशन ना दे. ओके, सो इसको पहले आप डायग्राम बना लेते हैं इसका. तो जीरो जीरो अगर मैं यही बनाना चाहूँ, राइट, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, इसको हमने बोल दिया जीरो जीरो, राइट. तो अब बोला वन वन, तो मैं वन यहाँ डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स पर, ओके, और वन वाई पर डिस्टेंस वन यहाँ. तो ये मैंने पॉइंट बोल दिया, दिस इज द वन वन पॉइंट. तो आप इसको अपने याद के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज जेड इक्वल्स टू वन प्लस आई, बेसिकली दिस इज जेड इक्वल टू वन प्लस आई, क्योंकि आपको जेड इक्वल टू जीरो से वन प्लस आई इंटीग्रेट करना है. ऐसे ही आप जेड इक्वल टू जीरो इसे बता सकते हैं, ठीक है, अपने लिए सिर्फ. अब वो बोल रहा है इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई. मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही है आपको उसके अलोंग इंटीग्रेट करना है. तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये मैंने मिला दिया. अब इन दोनों से जो पॉइंट्स बने ये लाइन है, अब इसको लाइन को आपको निकालना है कि लाइन क्या है बेसिकली. तो हम जानते हैं जीरो जीरो है और वन वन है, तो लाइन क्या बनेगी, आपको टू को टू पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो. तो मैं अगर इसको बोल दूँ ओ, सपोज दिस इज ए पॉइंट, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ ओ ए निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए. तो आप टू पॉइंट फार्मूला लगाइए, दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो फार्मूला क्या है, वो इक्वेशन ऑफ ओ ए, दैट इज वाई माइनस वाई वन, वाई वन इज जीरो इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज वन माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज जीरो, राइट. दिस इज टू पॉइंट फार्मूला जो आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा. तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई मुझे, इक्वेशन y इक्वल्स टू x. सो दिस इज द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन का नाम क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज y इक्वल्स टू x, राइट. तो अब जो पहला क्वेश्चन है वो आपका अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू जीरो टू z इक्वल टू वन प्लस आई. इस पॉइंट से जीरो से स्टार्ट करना और वन प्लस आई तक, यहाँ तक जाना है, इसको अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है. तो अब बड़ा आसान है, अलोंग y, अब ये इक्वेशन आ गई आपकी, तो लिख सकते हैं अलोंग ओ ए, आपने नाम दिया है along OA, OA अपने पास इक्वेशन क्या मिली है, y इक्वल टू एक्स. वाई इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, दैट इज डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स, राइट.
तो मैं इसको क्या पूरे इंटीग्रल को एक्स में कन्वर्ट कर लूँगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से अब शुरू होता है, देयरफॉर आई कितना हो जाएगा, तो एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप एक्स की लिमिट देखिए, तो एक्स की लिमिट अगर यहाँ से यहाँ बोला गया तो यहाँ से देखिए एक्स यहाँ पर कितना है, एक्स यहाँ पर है ज़ीरो, और एक्स यहाँ पर कितना है, दैट इज़ वन। ओके, फंक्शन इज एक्स माइनस वाई, तो वाई की जगह पर क्या ले लेंगे, एक्स, राइट, प्लस आई एक्स स्क्वायर। और डी जेड, डी जेड की वैल्यू, डी जेड क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर आपके पास में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखो आप, राइट, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड इज डी एक्स प्लस आई डी वाई, राइट, तो डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी वाई की जगह क्या है, डी एक्स है ऑलरेडी। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कुछ ये समझना है तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो दिस इज जीरो टू वन, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, राइट, तो ये हो गया आई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, सो दिस विल बिकम वन प्लस आई, राइट, डी एक्स, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो कॉन्स्टेंट है वो आप बाहर कर लीजिए, तो आई कॉन्स्टेंट और वन प्लस आई कॉन्स्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर कर लीजिए, सो दिस इज आई आई इंट वाई, दैट्स आई स्क्वायर माइनस वन, राइट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से वन, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट आई माइनस वन, ओके, अपर लिमिट रखी वन, लोअर लिमिट रखी जीरो, आई थ्री, तो क्या बन गया आपके पास, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ओके। सो सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ बेटा आपको, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड जीरो टू जेड वन, तो जेड जीरो टू जेड वन का मतलब, जेड जीरो टू जेड वन इसका मतलब क्या हुआ पूरे का, जेड जीरो का मतलब आप जानते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो, राइट, टू कहाँ तक, जेड इक्वल टू वन का मतलब क्या है, रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी पार्ट क्या, जीरो, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ, वन कॉमा जीरो, राइट। फिर दूसरा क्या बोला, एंड देन, उसके बाद, एंड देन अलोंग लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, मतलब इस इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल, तो इसको आप वाई बोल दीजिए, इसको एक्स ही आपने बोला नहीं, पहले बता दिया, ठीक है, अलोंग लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू वन टू वन प्लस आई, जेड इक्वल टू वन टू जेड इक्वल टू वन प्लस आई, तो ये पॉइंट्स क्या देंगे कोऑर्डिनेट्स आपको, ये देंगे वन कोमा जीरो, मतलब जहाँ छूटा था टू कहाँ तक, वन प्लस आई, और वन प्लस आई क्या है, बेसिकली वन वन। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जेड को एक्स प्लस आई वाई, जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिया है, एक्स प्लस आई वाई आप लेके कंपेरिजन कर लीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, सिंपल सा है, ओके। सो अब आप डायग्राम पे आ जाइए थोड़ा सा, तो जेड जीरो से, जेड जीरो से जेड वन, तो जेड जीरो से जेड वन मतलब क्या है, जीरो जीरो टू वन जीरो, तो जीरो जीरो तो ये पॉइंट हो गया, वन जीरो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, राइट, ओके। फिर जीरो जीरो से वन जीरो, और फिर क्या बोला, वन जीरो से वन वन, तो वन जीरो से वन 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 ये पॉइंट है, तो अब इसको मिला दीजिए, राइट, तो जेड वन जीरो से वन वन, तो अब इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको, तो अब इसका नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए इसको मैंने बोल दिया बी, तो ये इक्वेशन तो आप बता सकते हैं आराम से, क्या इक्वेशन है ये, दिस इज बेसिकली वाई इक्वल्स टू जीरो, रियल एक्सिस है, यहाँ पर वाई क्या होगा, जीरो, और ये क्या है, यहाँ पर इक्वेशन निकाल लें आप, टू पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी बता सकते हो, दिस इक्वेशन इज बेसिकली एक्स इक्वल्स टू वन, राइट। तो अब आपको यहाँ पॉइंट पर पहुँचना यही है, पर आपने क्या बताया, पहले यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ जाना है, राइट। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड जीरो टू जेड वन, मैंने लिखा जेड जीरो से जेड वन, राइट, फिर मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए यहाँ से यहाँ है, फिर बोला एंड अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, देखो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, राइट, तो अब आपको इन दोनों के एक साथ चलना है आपको। अब ये इंटीग्रल आई क्या दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, तो आई इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ क्या, दो लाइन ओ बी, ओ बी के अलोंग खोल रहे हैं आप लोग, एक तो एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड, और एक किसके अलोंग, फिर बी ए के अलोंग, बी ए, राइट, एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड, ठीक है।
तो अब ओ बी पे आपकी इक्वेशन पता है, अलोंग ओ बी, ओ बी पे क्या है वाई इक्वल टू जीरो है अलोंग ओ बी, ओ बी पर क्या है आपके पास वाई इक्वल टू जीरो, अगर वाई जीरो है तो इसका मतलब डी वाई कितना हो गया, डी वाई जीरो हो गया, राइट। और डी जेड की बात करेंगे, एंड डी जेड इज, डी जेड क्या है डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी वाई तो जीरो हो गया, तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी बेसिकली डी एक्स हो गई, अपने को रिप्लेस करना है। और अलोंग बी ए की बात करें तो अलोंग बी ए, राइट, तो अलोंग बी ए में अपने के पास में क्या मिला इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू वन, ओके एक्स इक्वल्स टू वन हो गया, इसका मतलब क्या है डी एक्स जीरो, और डी एक्स जीरो हो गया तो डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज आई डी वाई, राइट, क्योंकि डी एक्स आपका जीरो गया तो आई डी वाई बचा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, देयर फोर आई विल बी इंटीग्रेशन, तो ओ बी पे वाई जीरो, जब वाई जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो यहाँ भी लिमिट किसकी आएगी एक्स की, तो अब ओ बी पर ओ से बी डायग्राम देखो, ओ से बी, ओ से बी में मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर कितनी है जीरो से वन, तो जीरो टू वन हो गया, राइट। फंक्शन क्या अपना एक्स, तो एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू है जीरो प्लस आई एक्स स्क्वायर, डी जेड की वैल्यू क्या है डी एक्स, ये आपका पहला इंटीग्रेशन हो गया लॉन्ग ओ बी प्लस। अब बी ए पर चलते हैं, तो डायग्राम देखिए, बी ए यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ आपको एक्स इक्वल टू वन और डी एक्स जीरो, ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू रख देंगे तो बचेगा क्या अपने पास में, तो वाई की बचेगा, तो इसका मतलब लिमिट किसकी आएगी वाई की, तो वाई की लिमिट आप डायग्राम से देखिए क्या दिखेगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ वाई क्या है जीरो और यहाँ पर वाई क्या है वन, तो अब देखो वाई इक्वल टू इसका मतलब जीरो से शुरू हुआ वन तक गया, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस करनी है वन, तो एक्स की जगह वैल्यू वन माइनस वाई प्लस एक्स की जगह वन, राइट, और ये आई भी आएगा आपका, और डी जेड की वैल्यू क्या है बेसिकली आई डी वाई, तो बस अब आपको ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है, ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट, प्लस आई एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट आपकी जीरो से वन, प्लस वन और आई दोनों कांस्टेंट है, एक आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अभी आप रहने दीजिए ऐसे ही, तो आई से मल्टीप्लाई किया ये तो हो गया आपका आई, आई स्क्वायर हो गया माइनस वन और माइनस आई वाई हो गया, राइट, डी वाई, तो लिमिट आपने यहाँ लगाई तो हो गया वन बाई टू प्लस आई बाई थ्री हो गया, लोअर लिमिट पे जीरो हो गया, यहाँ पर रखिए तो प्लस ये आई के साथ में आ जाएगा आपका क्या वाई माइनस वाई माइनस आई वाई स्क्वायर बाई टू, राइट, लिमिट जीरो से वन, सो दिस इज वन बाई टू प्लस आई बाई थ्री, अब यहाँ लिमिट रख दीजिए, सो दिस इज आई माइनस वन माइनस आई बाई टू, राइट, लोअर लिमिट पर पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो रियल पार्ट को रियल के साथ में वन बाई टू माइनस वन, दैट इज माइनस वन बाई टू, इमेजनरी पार्ट ले लीजिए, तो इमेजनरी पार्ट का अगर जो एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा सिक्स आ जाएगा, तो थ्री टू जो टू आई आया, ये दिस इज प्लस सिक्स आई, राइट, माइनस टू थ्री जो थ्री आई, तो कितना हो गया माइनस वन बाई टू, टू प्लस सिक्स एट, एट माइनस थ्री दैट इज फाइव, तो फाइव आई बाई सिक्स, सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, तो इतना आपको करना है। अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट में जाकर मुझे बता दीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।